हाँ, तो बहुत सारे लोग मम्मी के जो सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे थे कि मम्मी की तबीयत कैसी है, अपडेट दो। तो ये जो मशीन है ये ऑक्सीजन की मशीन है, तो ये मशीन जो है वो उनको 4 महीने तक 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के लिए ये मशीन लगा के रखने की है ऑक्सीजन पे, मतलब मम्मी 24 घंटे रहेंगे। और एक वो बाईपास जो मशीन है, बाईपा मशीन जिसको बोलते हैं, वो रात में सोने के टाइम पे लाइफ टाइम तक, जब तक मम्मी है तब तक वो लाइफ टाइम तक वो लगा कर मम्मी को सोना है। और अभी ये तो 4 महीने तक यही रहेगा, मतलब ये ऑक्सीजन और 24 घंटे का ऐसे ही रहेगा। तो वीडियोस मैं डालूँगी, तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मम्मी अल्लाह हाफिज़ बोलो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटर मशरूम विद बेबी कॉर्न, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मैंने प्याज लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची 4 ली हुई है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। एक ही मैंने बड़ा टमाटर लिया हुआ है और मैंने 4 इंच का टुकड़ा जो है मैंने अदरक के लिए हुए है, और एक बंच जो होता है वो मैंने लहसुन का लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के जितना मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हरे मटर, ताज़े मटर लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने काजू लिए हुए हैं, 20 से 25 काजू है, तो ये मैंने स्पाइसी वाले काजू ली हुई है। आप नॉर्मल काजू भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे नॉर्मल काजू ही इसमें जाते हैं इस रेसिपी में, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर स्पाइसी काजू रखे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, घर में कोई नॉर्मली इसको नहीं खा रहा है, तो मैंने सोचा ग्रेवी में मिक्स करके खिला दूँ, तो इसीलिए मैंने ये लिया हुआ है। आप नॉर्मल वाले काजू 20-25 ले सकते हो। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून है। मशरूम यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, मैंने मशरूम लिया 200 ग्राम, और यहाँ पर बेबी कॉर्न भी सेम 200 ग्राम ही है। और वैसे अगर आप चाहो तो मशरूम और मटर का भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास में बेबी कॉर्न था तो मैंने वो भी इस्तेमाल में कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट जाएगा। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून। खड़े गरम मसाले में यहाँ पर 2 तेज़पत्ता है, 3 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 7 से 8 मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिया हुआ है। इसमें ऑयल जाएगा 1/2 कप के जितना। अब इसको बनाने का तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान और ईजी तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑयल पहले डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे प्याज, टमाटे, हरी मिर्ची और लहसुन, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको पहले हम अच्छे से जो है सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटे भी अच्छे से गल गए हैं इसके अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे ये काजू और थोड़ा सा इसको और 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया काजू डालने के बाद में। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने के लिए साइड में छोड़ देंगे, उसके बाद में इसका हम फाइन पेस्ट बना के लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम मशरूम और बेबी कॉर्न जो है उसको कट कर लेंगे। सेम कढ़ाई ली है मैंने, अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी मैं, 1/4 कप के जितना मैंने इसमें अभी ऑयल डाला हुआ है। अब इसके साथ में हम इसमें अभी ऐड करेंगे काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और ये तेज़पत्ता। इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए खड़े गरम मसाले जो है अच्छे से क्रैकल हो गए, भून गए अच्छे से। अब ये जो मैंने मसाला पीस कर लेकर आई थी वो हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, इसका काम ही ये ग्रेवी में ये है कि इसको आपने अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर इसमें मैं सारे जो सूखे मसाले हैं ना, पाउडर मसाले, वो डालूंगी, लेकिन सबसे पहले जो है इसको हमने अच्छे से भून लेना है और बीच बीच में इसको चलाना है, क्योंकि इसमें काजू है तो नीचे लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो बीच बीच में से इसको चलाते रहना है।
और इसको अच्छे से भूनना है। इसका थोड़ा सा कलर जो है ना डार्क होना चाहिए, अभी काफी लाइट है ना, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना कलर, तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर सारे जो सूखे मसाले हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से और 5 मिनट भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये बेबी कॉर्न डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे हम और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कप के जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा 2 मिनट बॉईल कर लूंगी, उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूंगी मशरूम और मटर। यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मशरूम और मशरूम के साथ ही में डाल देंगे हरे मटर और हरे मटर के साथ में डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छा इसमें अगर आप चाहो तो अभी पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने 1 कप ही पानी इसमें ऐड किया है, वो इनफ हो जाएगा, मतलब काफ़ी हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट पका लेंगे, क्योंकि मशरूम जो है ना उसके अंदर भी पानी होता है। तो बस इसको मैं और 5 मिनट पका लूंगी, मशरूम भी अच्छे से पक जाएगा। 5 से 7 मिनट में इसको पकाऊंगी। यहाँ पर देखिए मटर मशरूम जो है बनकर तैयार है। यहाँ पर देखिए मटर मशरूम जो है बनकर तैयार है। अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम जो है विद बेबी कॉर्न बनकर रेडी है। तो चलिए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।